हाय हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ नरेश पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की। बट फर्स्ट, व्हाट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड? बट लेट्स बिगिन द अंडरस्टैंड एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर ब्रेन। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो होता है उसमें हमें धन्यवाद का नजरिया अपनाना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ को पाने में मदद कर सकती है। तो सबसे पहले हम तीन ऐसी चीज़ों को समझते हैं जिनके जरिए आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपना सकते हैं। पहला है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ में आप ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं कि मेरी हेल्थ इतनी बेहतरीन है कि मैं उसके जरिए अपने आप को और हेल्थी बना सकता हूँ। दूसरा है आपका फाइनेंस। आपका फाइनेंस मतलब आपका बैंक बैलेंस, अकाउंट, जो भी आप मनी मैनेजमेंट करते हैं उससे भी आप ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं, जो आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल देगा कि हाँ, मैं और सक्सेसफुल बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें समझने के लिए हमें बहुत सिंपल चीज़ें अपनानी चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को लेकर कई सारी बुक लिखी जा चुकी है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि वो आपको सिखाती हैं कि आपके पास जो कुछ भी है, जो भी है, हेल्थ है, वेल्थ है, जो कुछ भी है, वो आप धन्यवाद कहिए। उसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए। जैसे आपके पास सोच लीजिए कि कुछ पैसे हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं कि थैंक यू गॉड, मेरे पास इतना पैसा है। तो ये होता है एक ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड अपनाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा फैक्टर है लाइफ में सक्सेसफुल होने का, वो है आपकी लर्निंग। लर्निंग के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। जो भी आज तक आपने सीखा है, जो भी पढ़ाई की है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कुछ सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो थैंक यू आज की इस वीडियो को देखने के लिए।